सत श्रीकाल जी, मैं थोड़ा अपना गुरमिलाप सिंह डल्ला, मैनेजिंग डायरैक्टर मैक्रो ग्लोबल मोगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड इमीग्रेशन सर्विसिज। फेसबुक के माध्यम राही देश विदेशों तो जुड़े सारे ही स्रोतियां का मेरे वालों मेरी पूरी टीम वालों बहुत बहुत स्वागत है जी। जदों भी सोशल मीडिया के इस पैनल राही मैं लाइव हूं तो मेरी हमेशा कोशिश होंगी कि जो भी फ्रीकुएंटली आस्क्ड क्वेश्चन हों, चाहे वह फेसबुक पर आ, चाहे वह कॉल्स राही आ, चाहे वॉकइन्स होंदियां ने ऑफिस दे विच, ते ओ जो क्वेश्चन ज़्यादा लोग पुछदे ने तां मेरी कोशिश हुंदी है कि मैं उहदे बारे सोशल मीडिया राही दस देवां, चाहे वह वीडियो चाहे वह अपडेशन पा के, तां जो उहदी इनफॉर्मेशन सारयां तक पहुँच जावे। एंड जो हुण मैं गल करन जा रहा जी, वह गल कर रहा कि पिछे जी जो भी हादसा ब्रैम्पटन शहर के कैनेडा के होया, उस तो बाद कई तरह दीयां गल्लां सामने आईयां वीज़ा प्रोसैस नूं लैके, स्टूडेंट वीज़ा प्रोसैस नूं लैके, जिवें कि साढ़े उत्थों दे जिहड़े एम पी एम पी पी सीगे या उत्थों दे जिहड़े कम्यूनिटी दे, साढ़े पंजाबी कम्यूनिटी दे पक्के वसनीक जिहड़े लोग सीगे, जो उन्होंने कनेडियन गौरमेंट दे अगे या कनेडियन गौरमेंट नूं या एम पीज़ नूं जो कुछ गल्लां दे विच सुधार लियाउण दे लई, या स्टूडेंट्स नूं, चंगे स्टूडेंट्स नूं या माड़े स्टूडेंट्स नूं किस तरीके नाल फिल्टर ला के अगे लैके आउणा, तां कई तरीके उन्हां ने दसे, जिवें जिन्हां विचों इक सी भी इंटरव्यू लई जावे, टैसट होवे एयरपोर्ट दे उत्ते स्टूडेंट्स दा। एंड उस चीज़ नूं काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा अजक। एक मेरे वीर की कल परसों वीडियो अपलोड हुई है, मेरा इमीग्रेशन सैक्टर के बाबा जी हूँ ही काम करते हैं, मेरी उन्होंने बेनती भी आ कि ए नहीं करीदा हुंदा कि जदों आपां पहला कोई होर मुल्क का काम करते सी, फिर आपां कैनेडा का करन लग गए, फिर आपां उस मुल्क नूं गालां कढ़तियां, फिर आपां हुण कैनेडा का करन लग गए, कैनेडा दे विच आपां रज के पांच वन बैंड, साढ़े पांच बैंड, नॉन एस पी कॉलेज, नॉन एस पी पी कॉलेज एंड ऑल, सारा कुछ आप बड़ा ऐड किया, बड़ी वे वे एडवरटीजमेंट दे पैनल अपना के फुल पेज दी एडवरटीजमेंट करके हुण असी गांह हो गए आस्ट्रेलिया वालों, हुण साडियां सारियां एडवरटीजमेंट्स आस्ट्रेलिया नूं आ, ते हुण असी की करन लग गए, हुण असी कहण लग गए कनेडा दी सक्सैस रेशो खत्म हो गई, कैनेडा तां जी हुण स्टूडेंट्स नूं वीज़ा ही नहीं दूगा, कैनेडा तां जी हुण स्टूडेंट्स दी इंटरव्यू कर सकदा एयरपोर्ट दे उत्ते। सो चलो आप मुद्दे तो ना भटकीए, मैं सब तो पहली गल तो सारे यही कहना चाहना कि हजे तक ऑफिशियली ऐसी कोई भी गल अनाउंस नहीं हुई कि स्टूडेंट्स की कनेडा एयरपोर्ट से उतर के सी बी एस ए वालों, कनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी वालों इंटरव्यू एक जी नॉर्मल चलती तो होगी कि इस तरीके का भी टैसट पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्एज टैसटिंग सिस्टम का या उन्होंने लैंग्एज न टैसट करने के लिए एक दोबारे एयरपोर्ट से टैसट किया लिया जाऊगा। तो यह गल कि ना कि मैं लॉजिकल भी नहीं लगी, क्यों वो पिछे कारण यह है कि कैनेडा तो कैनेडा जोड़े स्टूडेंट पढ़न जाते वीज़ा कोई ऑन अराइवल वीज़ा तो होंगे नहीं, स्टूडेंट पहला ही कनेडियन हाई कमिशन दे एक प्रोसैस थ्रू हो के वीज़ा लैके फिर कैनेडा पहुँचते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जदों कैनेडा आप केस अपलाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा, वो कोई ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है भी असी इतों सीधा अपने पेपर रेडी करके कैनेडा पहुँच जाने तो उत्थे उतर के साड़ी इंटरव्यू की जाए या साड़ा टैसट लिया जाए। एक असी पहला ही अंबैसी या हाई कमिशन के प्रोसैस थ्रू हो के साडे स्टूडेंट गुजरते हैं, या कोई भी विजिटर या परमानेंट रेजिडेंसी वाले बंदे आप पहला कनेडियन हाई कमिशन उत्तों के ऑफिसर्स के थ्रू अपना केस प्रोसैस किया जाता, फिर अपन वीज़ा अपरूव किया जाता, फिर आप कैनेडा पहुँचते हैं, बजाय इस दे कि कैनेडा जाके टैसट लैन, वो तो कनेडियन हाई कमिशन या कनेडियन गौरमेंट आपके हाई कमिशन के ऑफिसर्स कह सकते हैं कि इन्हों के पेपर या इन्हों के आयल्स के डॉक्यूमेंट्स या इन्हों के कोई भी अकैडमिक डॉक्यूमेंट्स स्ट्रिक्टली एवैल्यूएट कर लो, ईवन के करते भी आ, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को हर अथॉरिटी आ, वो तुहाडी जे उन्होंने तुहाडी लैंग्एज प्रोफिशेंसी वाले टैसट के नाल कोई प्रॉब्लम लगती है, जिवें आप कहते कि बैंड पैसे दे के लए होंदे ने, तो वो थोड़ी इंटरव्यू कॉल कर सकते हैं, थोनों इंटरव्यू सद के उत्थे क्लीयर कर लेंगे। जे उन्होंने लगता कि तुहाडे अकैडमिक डॉक्यूमेंट्स के जो तुम पढ़े हो हूँ तक अकैडमिकली जो तुम पढ़े हो टैंथ ऑनवर्ड्स उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के कोई प्रॉब्लम है तो वह बोर्ड तो या तो यूनिवर्सिटी तो वह क्लीयर कर सकते हैं। सो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ CBSA ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ, ਐਂਡ ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਅਰਸਨ YYZ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 125,000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉੱਤਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। CBSA ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪੇ ਸਕੇਲ $70 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ CBSA, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਹੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਟੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ 5,000-7,000 ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ CBSA ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜਨਾ ਆ ਨਾ, ਬਾਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਰਿਟਰਨ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, GIC ਭਰਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜੀਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਆਫਿਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ 10th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਇਲਸ ਨਕਲੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ IDP ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਕਾਲਜ ਆ, ਬੋਰਡ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ, ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲੌਗਿਨਸ ਨੇ ਆਇਲਸ ਦੇ BC ਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IDP ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਖਤੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਹੋਣਾ, CBSA ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਮੇਰਾ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਫਿਸ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮਾਈ ਫਰਮ।
मेरा ऑफिस कैनेडा दे विच हजे तक मैं कोई नहीं खोलिया, बट जे तुहानू मेरी सर्विसिज चाहिए हैगियां तां मेरे डेलीगेट्स ऑलरेडी इन कैनेडा हैगे ने, मैं तुहानू इनबॉक्स कर दूंगा नंबर, उन्हां दे तुसीं उन्हां नू मिल सकदे आ। बट कैनेडा दे विच मैक्रो ग्लोबल दे नां ते मेरा कोई ऑफिस नहीं हैगा। जिहड़ा डिक्सी रोड वाला ऑफिस दी तुसीं गल कर रहे हो, दैट इज़ नॉट माई ऑफिस। एंड मैं फिर तुहानू यही कहूँगा कि सर टैसट एट कैनेडा एयरपोर्ट होया करेगा कि नहीं। अमितोज जी मैं उस विषय की गल कर रहा कि टैसट मेरे हिसाब के नाल जिहड़ा कनेडियन गवर्नमेंट आ कोई भी जो टैसट नहीं रखूगी उत्थे, क्योंकि जो उन्होंने स्ट्रिक्ट करना ही होगा वीज़ा प्रोसैस में तो वो तुहाडी कंट्री दे विच ही वीज़ा प्रोसैस में स्ट्रिक्ट कर देंगे। एंड वो तुहाडे कनेडियन गवर्नमेंट या कनेडियन हाई कमिशन, कनेडा हाई कमिशन चंडीगढ़, कैनेडा हाई कमिशन दिल्ली तुहाडी इंटरव्यू कॉल कर लिया करूगी, तुसीं इंटरव्यू जाके उत्थे दोगे, जो उन्होंने तुसीं इंटरव्यू दे विच सैटिस्फाइड कर पाओगे तो तुहानू वीज़ा दे दूगा। एंड आखिर ते मैं ये गल भी थोड़ा जरूर कहनी चाहुंदा आ भी जिवें आपां फिल्टर लाउन फिरदे आ ना, भी जिहड़ा इंटैलीजेंट बच्चा लड़ूगा नहीं, ये गलत आ, गल नहीं हुंदा। इंटैलीजेंट बच्चे भी लड़ पैंदे आ, पढ़ाई दे विच वीक बच्चा बहुत शरीफ भी हो सकदा, एंड पढ़ाई दे विच इंटैलीजेंट बच्चा बदमाश व्यक्ति का भी हो सकता। ये एक अलग सिस्टम है, एक अलग चीज़ है, इनू आपां आए ना पढ़ाई लड़ाई नू पढ़ाई दे नाल कोई मिंगल करन दी ज़्यादा लोड़ नहीं हैगी। एंड ये नहीं हैगा भी जिहदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा गुड होगी तो टैसट वो आप दे के सत्त बैंड लैके आ वो लड़ूगा नहीं, ठीक है जी। इसलिए आपां बजाए इन्हां चीज़ां दे भी आपां इस तरीके का सिस्टम अपनाइए कि टैसट लै लो जी, मोड़ दिओ जी एयरपोर्टां तो, वो तो बजाए आपां आपदे बच्चियां नू आपां आपदे जिहड़े अपने यंगस्टर कैनेडा पहुँचते हैं या जिन्हां ने जाना आ, जां जिवें मैं बच्चियां नू भेजना आ, जां मेरे वर्गे होर मेरे वीर जो भेजते हैं, असीं उन्हां नू पहलां ही ईवन कि मापे खास करके आपदे बच्चों नू एक चंगी समझ, चंगी सोच, चंगी आपां उन्हां नू अकल एंड चंगी गल्लां इत्थों सिखा के भेजिए कि उत्थे करन की चलदे ने, एंड उन्हां दा मेन मुद्दा की होना चाहिए उत्थे पहुँच के, एंड उन्हां दे लई किहड़ी चीज़ सब तो जरूरी आ, एंड किहड़ियां चीज़ां उन्हां दे लई हानिकारक सिद्ध हो सकदियां ने। असीं भी प्री डिपार्चर सैशनस रखदे आ, हुण हरेक बच्चे नूं दस के भेजदे आ भी रूल्स एंड रेगुलेशनस कैनेडा दे विच सब तो इंपॉर्टेंट ने फॉलो करने, जे तुसीं उह नहीं फॉलो करोगे तां उह तुहाडे लई खतरनाक साबित हो सकदे ने। एंड सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ कि असीं उत्थे पढ़न चले हाँ, आपकी जिंदगी वधिया बनाने चले हाँ, एंड साडा फोकस उहदे ते ही रहना चाहिए। छोटियां गल्लां ने जिहड़ियां लड़ाई का कारण बनदियां ने उन्हां नूं आपां पासे कर देना आ, इगनोर कर देना आ, प्यार नाल रहना आ, चंगी सोच रख के रहना आ, चंगे इंसान बन के रहना आ, एग्जाम्पल सैट करनियां ने कि असीं जे पंजाब तो उत्थे पहुंचे हाँ तां असीं तरक्की का राह अपनाउण लई पहुंचे हाँ, असीं इक साडा जिहड़ा, क्योंकि जिहड़ी जदों कोई तुहानूं इह कहिंदा ना बई तुसीं इत्थे बदमाशी कर दे, सॉरी थोड़ी डिसकनैक्ट हो गई सी, जदों तुसीं उत्थे जाके बदमाशी करते हो या आपां कोई गलत एक्शन करते हैं तो वह फिर सारी गाल आ जिहड़ी वह सारी अपने माँ प्यो नूं कम्यूनिटी नूं सारिआं नूं ही जांदी आ कि इह कहा जांदा कि इन्हां नूं सिखा के नहीं भेजिया गया, इन्हां दे माँ प्यो ने इन्हां नूं चंगी समझ नहीं दित्ती, यह सारिया गल्लां फिर वह काउंट हुंदियां ने। एंड सब तो इंपोर्टेंट चीज़ तो यही है भी जदों आपां आपदा घर ही छड्डता तां असीं आपदा घर इस लई छड्डिया कि असीं चंगी थां ते जाके चंगी जिंदगी जिउ सकीए। बस आपां इन्हां चीज़ां ते फोकस करना, टैसट होऊगा नहीं होगा टैसट लै लैन, जे तुसीं सच्चे हो, जे तुसीं इंटैलीजेंट हो, जे तुसीं पढ़ के बने बैंड लए आ, जे तुसीं पढ़ के चंगे नंबर लए आ, जे तुसीं उत्थे टैसट IDP ते ब्रिटिश कौंसल का टैसट क्लीयर कर सकते हो, जे तुसीं इन्नियां वधिया तरीके नाल प्लस टू या ग्रैजुएशन दे विचों 75% तो उपर चंगे नंबर लैके पास हो सकते हो, तो कनेडा जाके टैसट क्लीयर करना तुहाडे लई कोई औखा नहीं। तो इसलिए इन्हां चीज़ां बारे डरना तो बेकार आ, बिल्कुल इन्हां चीज़ों के बारे टेंशन नहीं लैनी, चंगे तरीके नाल पढ़ना, चंगी मेहनत करके उत्थे पहुँच के चंगे इंसान बन के रहना। बस इन्ना कहिंदा होया मैं खिमा दा जाचका, मैं सब नूं बच्चों नूं यही कहूँगा कि मेहनत करो, पढ़ो, मेहनत करके, से नो टू ड्रग्स, आपकी सेहत का ध्यान रखो, चंगा खाओ, चंगा पहनो, चंगे चंगे काम करो, एंड ता जो तुसीं एक एग्जाम्पल्स बन के साडी कम्यूनिटी होर कम्यूनिटी दे अगे आवे। धन्यवाद।